एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फरमाया, ए आयशा, मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन ताइफ का था। जब मेरे नबी ताइफ शहर इस्लाम की दावत देने पहुंचे तो वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल करने की बजाय मेरे नबी पर सवाल उठाए और उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। ताइफ शहर दो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के महबूब, आप बस इजाजत दीजिए, मैं दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इस पूरे शहर को खत्म कर दूं। अल्लाह की राजा भी शामिल है, बस आप हाँ कहिए। इस पर मेरे नबी ने कहा, ए जिब्राइल, नहीं, मेरे रब ने मुझे दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, बदला लेने के लिए नहीं। आज ये लोग भले ही इस्लाम ना लाए, लेकिन हो सकता है इनकी आने वाली नस्ल इस्लाम लेकर आए और इनकी वजह से दिन का काम आगे बढ़ेगा। सुभान अल्लाह, यह है मेरे नबी। और ऐसा था मेरे नबी का किरदार, जो अपने दुश्मनों के हक में भी दुआएं किया करते थे। और आज कुछ जाहिल लोग मेरे नबी के किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। एक वो वक्त था जब ताइफ शहर वालों ने मेरे नबी पर जुल्म किया था, और एक आज का वक्त है। आज ताइफ शहर में सिर्फ मुस्लिम आबादी ही है, और यह सब मेरे नबी की दुआओं का नतीजा।